उन बड़ी बातों को पहले दिखाते हैं। 7 पन्ने का है ये डॉक्यूमेंट। इसका शीर्षक है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, यानी भारत में इस्लामिक शासन की ओर। और इसके नीचे लिखा है इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, यानी ये अंदरूनी दस्तावेज है, इसे सार्वजनिक नहीं करना है। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है वो समझिए। दूसरे पन्ने में लिखा है कि भारत में 9 जिलों में मुसलमानों की आबादी 75% से अधिक है, कभी भारत पर राज करने वाले मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक हैं। तीसरे पन्ने में लिखा है कि इनका ख्वाब है 2047 में मुस्लिम समुदाय के हाथ में भारत की सत्ता आएगी और इसके लिए इन्होंने खुद को 2047 का टारगेट दिया है। और ये दावा किया गया है कि अगर 10% मुस्लिम आबादी भी PFI के साथ आ जाए तो बुजदिल समुदाय को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने के लिए 4 चरण की प्लानिंग बताई गई। पहले चरण में मुसलमानों में एकजुटता बनाना, काडर का विस्तार करना, भारत के बजाय मुस्लिम पहचान स्थापित करना और तलवार या रॉड से हमले की ट्रेनिंग देनी होगी। इसे फिजिकल एजुकेशन यानी PE कहा जाएगा। दूसरे चरण में PFI के नेतृत्व में प्रदर्शन करना, दुश्मनों को ताकत दिखाना, दहशत से भर देना, PE वाले चुनिंदा काडर को हथियार विस्फोटकों की ट्रेनिंग देना, उन्हें सुरक्षा बलों की नजरों से बचाए रखना, इसके साथ ही राष्ट्रीय झंडा, संविधान और अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करना और विदेशों से फंडिंग का इंतजाम करना होगा।